दोस्तों क्या आप जानते हैं 1958 में पाकिस्तान ने भारत को एशियन गेम्स में मेडल टैली में पीछे छोड़ दिया था। 1958 में पाकिस्तान ने टोटल 26 मेडल जीते थे और भारत ने इसके आधे 13 मेडल जीते थे कुल मिलाकर, सिर्फ 13 मेडल। और फिर 1990 में चमत्कार हुआ, भारत ने 23 मेडल जीते और पाकिस्तान वहीं पर आधे से भी कम पर चला गया, 12 मेडल पर। फिर उसके बाद तो मानो भारत की धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो गई और पाकिस्तान नीचे की तरफ डूबता चला गया। वहीं पर अगर मैं 2002 की बात करूं तो भारत के पास टोटल 36 मेडल थे, पाकिस्तान के पास इनके आधे मेडल भी नहीं थे, 13 मेडल पर था वो कुल मिलाकर। फिर वहीं पर अगर 2018 की बात की जाए दोस्तों, लेटेस्ट बात लेते हैं, तो भारत के पास 70 मेडल थे और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 मेडल। और इस बार 4 भी पार नहीं हुआ, 3 मेडल लेके आया है पाकिस्तान इस साल 2022 के एशियन गेम्स में, और भारत ने 107 मेडल जीते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है पाकिस्तान और इंडिया के एशियन गेम्स के परफॉर्मेंस में। फिर भी कुछ पाकिस्तानी लोग कमेंट सेक्शन में आकर इस तरह से दिखाते हैं मानो भारत बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा हो पाकिस्तान से। मतलब आकर बोलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में देख लेगा, पाकिस्तान रेसलिंग में देख लेगा, पाकिस्तान वॉलीबॉल में बहुत अच्छा खेल लिया, हमारी टीम ने तुम्हारी टीम को कल क्लासिफिकेशन मैच में हरा दिया। इस तरह से उन्होंने जश्न मनाया मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो या एशियन गेम्स में टॉप कर लिया हो, सिर्फ भारत को क्लासिफिकेशन मैच में हराने के बाद। स्क्वैश में वो हार गए, लगातार हर जगह वो हारते गए भारत से, और कुल मिलाकर सिर्फ 3 मेडल, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इसीलिए ये वीडियो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान की, ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस के लिए है, स्पोर्ट्स फैंस के लिए, जो बिना कुछ जाने समझे कमेंट सेक्शन में आकर दो शब्द भारत के लिए गलत लिख देते हैं और कह देते हैं कि क्या कर लिया भारत ने, क्या कर लिया भारत ने। 107 मेडल जीत लिए जनाब, आप जहां 1958 में डबल मेडल से भारत से जीत रहे थे, मेडल्स लेते थे, उनका अब आधा भी नहीं रहा। 26 और 3, ये तो 2% मेडल भी नहीं रहे पाकिस्तान के, इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। तो ये फैक्ट्स थे जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जब कभी आपके किसी पाकिस्तानी दोस्त से बात हो और वो आपको चिढ़ाए और आपको हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसको ये टेबल दिखा देना, कहाँ तुम डबल मेडल से आगे निकलते थे और कहाँ तुम अब डबल डिजिट में। मेडल तो छोड़ो, इस बार 4 पार भी नहीं हुआ और लोगों ने कुछ नारा भी दिया, इस बार आटा पार। तो शायद आटा पार करने, अब वो तो एक, चलो एक अलग फनी वे में हो गया है, इस बार आटा पार या इस बार 4 पार, लेकिन हाँ अगली बार आपका सीरियसली मोटो होना चाहिए कि इस बार 3 पार या 4 पार, क्योंकि आपके 4 पार मेडल भी नहीं जा पा रहे हैं। वैसे भारत अगले साल कित अगले 2026 में कितने मेडल्स छू सकता है, कितना टारगेट होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 130 या 140 पार अगर भारत कर ले अगले 2026 में तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत इन 3-4 साल के अंदर लगभग 130 या 140 मेडल जीतने के लिए तैयारी ज़रूर कर सकता है, अगर हम 2-3 इवेंट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। बाकी आप कभी किसी स्पोर्ट्स में जाकर किसी कंट्री के बारे में अगर कुछ गलत बोलते हैं, स्पोर्ट्स में उनको नीचे दिखाते हैं, तो थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए, थोड़ा सा रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख लीजिए पाकिस्तानी भाइयों। इस तरह से अंधाधुंध जाकर किसी को भी गलत ना बोलिए। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, नीचे दिखाने के लिए नहीं है। स्पोर्ट्स में कोई नीचे दिखाने के लिए नहीं होता, लेकिन हाँ कंपैरिजन दिखाया है कि देखिए आपको कितनी ज़्यादा सपोर्ट की, आपके एथलीट को कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि वो आगे ग्रोथ करे, कम से कम डबल डिजिट मेडल तो ले सकें। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और भी ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।